धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर 3 में विगत एक माह पूर्व राम मंदिर की दान पेटी से पैसे चोरी करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मंदिर की दान पेटी से चुराए गए पैसे और एक मोबाइल की दुकान से चुराए गए मोबाइल के पार्ट्स जब्त किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के प्रसिद्ध इंडोरमा राम मंदिर में करीब एक माह पूर्व दान पेटी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर दान पेटी में रखा हुआ सारा दान चुरा कर ले गए थे। वहीं एक मोबाइल की दुकान से मोबाइल और पार्ट्स भी चोरी कर लिए गए थे। चोरी की इस वारदात को नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर द्वारा गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की और चोरों की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर धार के टांडा में रहने वाले 4 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। चोरों से कड़ी पूछताछ में बताया कि राम मंदिर की दान पेटी से दान चुराना और मोबाइल की शॉप से मोबाइल और पार्ट्स चोरी करना कबूल किया है, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है, पूछताछ कर रही है और भी कई वारदातों के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, ये मंदिर में कुछ दिन पूर्व लूट हुई थी और उसका खुलासा हो गया है, कौन लोग थे इसमें और क्या है पूरा मामला? ये सेक्टर 3 बगदून थाना अंतर्गत इंडोरमा चौराहे के पास राम मंदिर में विगत 1.5 माह पूर्व दान पेटी की चोरी हुई थी तथा कुछ समय बाद नेहा मोबाइल से मोबाइल और पार्ट चोरी गए थे। दोनों अलग अलग प्रकरणों में विवेचना चल रही थी। नकबजनी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने कड़े निर्देश दिए थे और चोरी को पकड़ने के तारतम में थाना प्रभारी तारे सोनी और उनके स्टाफ को लगाया गया था, जिसमें बाग गंदवानी क्षेत्र के 4 लोग संदिग्ध हालत में पकड़े गए, जिनसे पूछताछ की गई तो दान पेटी में चोरी करना कबूला और नेहा मोबाइल्स में जो मोबाइल और पार्ट ले गए थे वो भी चोरी में कबूल किया है। दोनों प्रकरणों में करीब 90,000 का मसरूका बरामद किया गया है और इन्हें पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। ठीक सर, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।